क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण। आचार्य चंदन शांडिल्य जी, तो आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में फरवरी का माह किस प्रकार से रहने वाला है। मकर राशि वाले फरवरी का माह भी आपके लिए ठीक ठाक रहने के संकेत दिखा रहे हैं। माह के आरंभ में ही भाग्य भाव एवं छठे भाव के स्वामी बुध आपके राशि में गोचर करने से आपके कार्यों में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। काम काज में प्रगति होने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कार्य व्यापार में अड़चनों के बावजूद भी सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इस माह भी कुछ रुके हुए कार्य में आपको शुरुआत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। सूर्य शनि की युति एवं चतुर्थ भाव पे शनि की नीच दृष्टि रहने से आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस माह भी पारिवारिक कलह क्लेश का भय आपके जीवन में बना हुआ है। कोर्ट के शादी से अगर आप दूर रहते हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। यदि इस माह कोई केस की तारीख पड़ रही है, आप पहले से कोई केस में फंसे हुए, तो कोशिश करें कि अगले माह का तारीख या बाद का तारीख ले लें, क्योंकि अभी जो फैसला आएगा हो सकता है आपके पक्ष में ना आए। हालांकि मध्य माह तक शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर एवं मध्य माह के बाद आपका शुक्र का तृतीय भाव में गोचर करने से भी उच्च के चूंकि शुक्र रहेंगे वहां पे और गुरु स्वराशि गत वहां संचार कर रहे हैं, ऐसे में धन प्राप्ति के साधन तो बनते ही रहेंगे। इसके साथ ही किसी महिला के सहयोग से भी कोई बहुत बड़ा कार्य आपको पूरा करने में आसानी हो सकती है। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो आप एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी रिश्ते बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी समय उत्तम जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस माह आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अधिक नशे में या अधिक तेज गति से वाहन ना चलाएं। कोई चोट चपेट दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक और विशेष बात रहे कि अपने स्वभाव में अगर आप नरमी बरतेंगे, आप अपने अंदर क्रोध एवं अहंकार को हावी नहीं होने देंगे, तो सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। अन्यथा आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण। आचार्य चंदन शांडिल्य जी।